नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते एक शख्स था बनी इसराइल में, बड़ा मालदार था, तो फिर उसमें गुर्बत आ गई। जब गुर्बत आई तो रो पड़ा, कहने लगा अल्लाह मैं गरीब हो गया हूँ, मेरी मदद फरमा, मैंने बड़ी नाफरमानी की है तेरी। मालदार जब था तो बड़ी मौज को, अल्लाह मैंने बड़ी ना, अब नहीं करूंगा, मुझे 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 इस गुर्बत से निकाल। तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि दे दो जो मांगता है। फरिश्ते कहने लगे या अल्लाह ये तौबा करके नहीं आया, डर के नहीं आया, ये तो उलझ गया तब आया, ये तुझसे डर के। होता है ना ऐसे कि लोग अल्लाह से नहीं डरते जितना गुर्बतों से मांग अल्लाह डरते, या अल्लाह ये तो उलझ गया तब आया। तो अल्लाह ने फरमाया पता मुझे भी है लेकिन आ तो गया, चलो दे दो। तो कहा या अल्लाह अगर दे दिया तो दोबारा नहीं आएगा, फरमाया इसका भी मुझे पता है, तुम दे दो। उसे दे दिया, जब दौलत मिल गई ना तो कहने लगा ओहो वो तो मैंने तरीका से ही इस्तेमाल किया इसलिए कामयाब हो गया। फिर कुछ वक्त गुजरा तो फिर उलझ गया, फिर कर्जे चढ़ गए, फिर सारे औलाद कर, कहने लगा या अल्लाह अब नहीं करना, हम माफ कर दे। 70 दफा तौबा की और 70 दफा तोड़ी। हबीब करीम फरमाते एक दिन बिस्तर पे था, आसानी थी, 70 दफा फरिश्तों ने कहा या अल्लाह ये झूठा है, झूठ बोलता है, ये तो गुर्बत आई है तो तेरी बारगाह में आया, वरना कभी ना आता, बीमार हुआ है तो आया, इसका तो बच्चा बीमार हुआ है तो आया, वरना कभी ना आता। 70 दफा तौबा तोड़ी। एक दिन रात को बिस्तर पे लेटा था, दौलतें भी थी आसानियां भी थी, दिन में ख्याल आया मैं कितना झूठा हूं, जब बुलत जाता हूं तो उसके दरवाजे पे जाता हूं और वो कितना करीब है, मुझे खाली नहीं लौटाता, तड़प उठा, आंसू निकल गए, उठ के मुसल्ले पे खड़ा हुआ तो रब करीम ने फरिश्तों से फरमाया खोल के देखो दरवाजे, आज ये गुर्बत की वजह से नहीं आया, आज मेरा बन के आया है। तो या अल्लाह पहले तो दौलत देता था, आज क्या देगा? तो महबूब फरमाते अल्लाह फरमाते हमने इसे बगैर हिसाब किताब जन्नत अता करूंगा।